नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नेहा बत्रा हूँ डर्मावर्ल्ड स्किन एंड हेयर क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे आंखों के नीचे काले गड्ढे, आंखों के नीचे घेरे, सूजी हुई आंखों के बारे में। क्यों हम आज इस बारे में बात करना चाहते हैं? ये बहुत ही एक आम समस्या है जो हमारी हिंदुस्तानी जनता को बहुत इफेक्ट करती है। 4 में से 3 पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो ये समस्या को लेके आते हैं कि हमारे आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं और ये हमारे जीवन में बहुत परेशानी क्रिएट करते हैं। सुनने में ये एक बहुत छोटी बात सुनाई देती है, बट उनकी लाइफ को ये बहुत तरीकों से समस्या अफेक्ट करती है। उन्हें ये बोला जाता है कि वो क्या डिप्रेस रहते हैं, क्या वो दुखी हैं लाइफ से, क्या उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, क्या वो अपनी शादी से खुश नहीं है। मेरे पास एक पेशेंट आया जिसने मुझे बोला कि उसके सीनियर ने उसका ड्रग टेस्टिंग कराया ये सोच के कि उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे क्यों हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होते हैं, कि क्या क्या वजह हैं, इनकी क्या क्या इलाज हैं, क्या इसका इलाज संभव है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक आंखों के नीचे काले गड्ढे किन वजहों से होते हैं। इनकी बहुत सारी वजह होती हैं, कोई एक वजह नहीं होती। सबसे कॉमन वजह जो है, आम वजह, वो ये है जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज यानी आपके माताजी को, पिताजी को, आपके घर में दादा दादी को, आपके परिवार में किसी को आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं और आपने उनसे इनहेरिट करा है कि जेनेटिकली आपके भी आंखों के नीचे काले गड्ढे होंगे। क्या इसका इलाज हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बट ये जब जेनेटिक गड्ढे होते हैं आंखों के नीचे, तो ये आपके सोने से, उठने से, आपके स्ट्रेस लेवल से, इनसे इन पे फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़े बेहतर और खराब लग सकते हैं, बट ये जेनेटिकली कॉज्ड हैं, तो इनमें इन सब चीज़ों से बहुत अंतर नहीं होता। दूसरी वजह होती है कैपिलरी लीकिंग। हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब हमारे आंखों के नीचे जो ये वेसल्स होती हैं ये ब्लड लीक करना शुरू कर देती हैं, वो डिपॉजिट हो जाता है एक पिगमेंट के फॉर्म में हमारी आंखों के नीचे। जब ये डिपोजिशन हो जाता है तो ये पिगमेंटेशन के तौर पे हमारी आंखें ब्लूइश, नीली, लाल जैसी दिखाई देती हैं, वैसा टाइप का पिगमेंटेशन दिखाई देता है। और वजह जो है वो है एजिंग। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, जो हमारे आंखों के नीचे फैट होता है, हमारी आंखों के नीचे जो बोन स्ट्रक्चर होता है, हमारी आंखों के नीचे जो मसल होती हैं, वो सब लूज हो जाती हैं और उनकी सैगिंग शुरू हो जाती है, वो सब लटकना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये लटकना शुरू हो जाती हैं तो वहाँ पे हमारी केवल स्किन, मसल और बोन है, जहाँ पे कोई फैट नहीं रहता, तो वो जो है एक गड्ढे के रूप में अपीयर होता है और वो हमारे को दिखता है कि आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल एजिंग की वजह से ही हो। कई बारी कई यंग लोग भी आते हैं जिनके आंखों के नीचे ऐसे काले गड्ढे होते हैं जो हॉलोनेस या गड्ढेपन की वजह से होते हैं। वो इसलिए, मान लीजिए आपने बहुत वेट लूज करा है, आप कोई बहुत भी बड़ी बीमारी से गुजरे हैं, तो कई बार मैसिव वेट लॉस से, बहुत वजन लूज करने से, या कोई बहुत बीमारी की वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे आपका फैट और वॉल्यूम लूज हो जाए और आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे अपीयर हो। उसके अलावा जो वजह होती है वो है रेस। इंडियंस में हमारी इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, एशियंस में और इंडियंस में, पिगमेंटेशन होने के लिए, स्किन थिकर होने की वजह से और वहाँ पे पिगमेंटेशन होने की वजह से हमारी आंख के नीचे गड्ढे दिखाई देते हैं। ये एक थिकनेस ऑफ स्किन से केवल ये नहीं होता, और हमारी एक तरीके से मदद भी करता है कि इंडियन औरतों में लाइन्स और रिंकल्स कम दिखाई देते हैं इसकी वजह से, बट पिगमेंटेशन की वजह से गड्ढे दिखाई देते हैं। बात करेंगे आंखों के काले गड्ढों का क्या इलाज है। ज्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं वो मुझसे जानना चाहते हैं कि क्या कोई क्रीम है जो हम लगा सकते हैं। पहली बात, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जाके डॉक्टर से मिलें और ये जानें कि आपके जो आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं वो किस वजह से हैं। मैंने आपको इतनी वजह बताई जिसकी वजह से आंखों के नीचे काले गड्ढे हो सकते हैं। आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको बताएंगे कि क्या वजह है, क्या आपके आंखों के नीचे काले गड्ढे क्रीम से ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हाँ, बहुत तरह की क्रीम आती हैं जो एक डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, उनका समाधान निकालती हैं।
जैसे रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स होती हैं जो लूज स्किन होती है उसको टाइटन अप करती हैं और पिगमेंटेशन को कम करती हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स होती हैं जो कि बहुत कंट्रीज में एक्चुअली बैन है, बट 2-6% तक अगर हम हाइड्रोक्विनोन लगाते हैं आंखों के नीचे तो वो काम कर सकता है, बट बिना डॉक्टर की सलाह के आप ये दवाई नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा आब्यूटिन, कोजिक एसिड, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट, पेप्टाइड्स, आजकल पेप्टाइड्स, मल्टीपल पेप्टाइड्स, 25-30 तरह के पेप्टाइड्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्रीम्स आती हैं, ये सब भी इफ़ेक्टिव हैं और आपके आंखों के नीचे काले गड्ढे कम कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर पिगमेंट लीक हो जाता है आंख में से, हमारा हीमोग्लोबिन लीक हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है, हीमोसिडरिन डिपोजिशन कहते हैं जिसको, अगर वैसा है आपकी आंखों के नीचे तो उसके लिए जो काम करती है क्रीम वो है विटामिन के की, विटामिन के बेस्ड क्रीम, वो जो है उसको ख़त्म करती है हीमोसिड्रेटिक पिगमेंटेशन को और आंखों के नीचे कालापन कम करती है। तो बहुत सारे तरह की क्रीम है, आपको क्या सूट करेगा वो आपका डॉक्टर ही आपको देख के बता सकता है। ये हमने बात करी जो आप क्रीम, आपको प्रेस्क्रिप्शन मिलता है, आप जो क्रीम लगा सकते हैं उनसे क्या आपका इलाज हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में। उसके अलावा जब आप क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकता है, क्या क्या मशीन यूज़ कर सकता है, क्या क्या पीलिंग कर सकता है जिससे आपको असर आए। केमिकल पीलिंग भी एक जरिया है जिससे पिगमेंटेशन कम करा जा सकता है। उसके अलावा लेज़र्स हैं, अलग अलग लेज़र्स जो हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं और अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं, जैसे कि IPL लेज़र होता है जो पिगमेंटेशन कम करता है, RF रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जो कि टाइटनिंग करती है स्किन की, जब एजिंग की वजह से स्किन लूज हो जाती है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है उसको कम करता है। उसके अलावा अब्लेटिव लेज़र्स भी होते हैं, अब्लेटिव यानी जो स्किन को और टेक्सचर को करेक्ट करके थोड़ा डाउन टाइम के साथ, आपके लेज़र कराने के बाद आपको थोड़े दिन आराम करना पड़ेगा, ऐसे भी लेज़र्स होते हैं। अब्लेटिव फ्रैक्शनल लेज़र्स होते हैं वो भी असर करते हैं। इसके अलावा क्यू स्विच लेज़र्स होते हैं और पल्स टाइज लेज़र्स होते हैं। क्यू स्विच लेज़र्स जो हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ब्रांड्स के होते हैं और ये जो है आपकी पिगमेंटेशन को कम करते हैं, जो मिलानिन सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। पल्स टाइज लेज़र्स उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनके लिए कैपिलरी लीकिंग होती है, जो मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल्स होती हैं, जब वो अंदर होती हैं तो उनसे जब ब्लड लीक होता है और डिपॉजिट हो जाता है उसके लिए पल्स टाइज लेज़र्स होते हैं। तो हर एक तरह के पिगमेंटेशन के लिए, गड्ढे के लिए अलग तरह के लेज़र होते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है अंडर आई डार्क सर्कल्स के ट्रीटमेंट में वो है हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। पहले हम इनको डर्मल फिलर्स के नाम से कहते थे, बट डर्मल फिलर्स की जगह इनको हम आजकल फेशियल फिलर्स कहते हैं। क्या करते हैं ये फिलर्स? ये फिलर्स एक इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं आपके आँख के नीचे और जो गड्ढापन है आपके आँख के नीचे वो भर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर चलते हैं, 1.5-2 साल तक ये रुकते हैं आपकी आँख के अंदर और आपको दोबारा कराने पड़ते हैं, पर ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। एक सेशन में ही आपके आँख के काले गड्ढे जो हैं वो कम दिखते हैं, गड्ढों का जो हॉलोनेस है वो कम हो जाता है और वो रीसरफेस हो जाते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं ट्रीटमेंट में अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए, क्योंकि और कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें आपको 1 घंटे में इतना अंतर दिखे कि आपको 1-1.5 साल तक दोबारा ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ना पड़े। हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स और डर्मल फिलर्स कराने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम चाहिए, उसके अलावा 2 हफ्ते बाद आपको एक बार फॉलोअप के लिए आना होता है और फिर उसके बाद ये 1-1.5 साल तक लास्ट करते हैं। आपको इमीडिएटली डिफरेंस दिखता है, जो सुधरता रहता है 2 हफ्ते तक और आपकी आंखों के काले गड्ढे 70-80% तक कम हो जाते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं, इनकी कॉस्ट जो है वो वेरी करती है 25,000-30,000 के बीच में और अलग अलग डॉक्टर्स के लिए अलग अलग चार्ज करते हैं। ये 1 ml की जो सिरिंज होती है उसका कॉस्ट बताया है मैंने आपको कि इसमें इतना अंतर होता है और कई बारी 1 ml से ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जिनकी आंखों के नीचे सूजापन होता है उनके लिए भी जो ये डर्मल फिलर्स होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, ये बहुत कारगर हैं और उनको ये ख़त्म नहीं करते हैं बट छुपा देते हैं। बट आंखों के नीचे काले गड्ढे कई लोगों को जल्दी उम्र से आते हैं और वो सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा तरीका है उनको छुपाने के लिए। इसके अलावा फैट ग्राफ्टिंग और सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं, जो लोग
नहीं प्रॉब्लम है जिनको थोड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर से जिन जो जो सर्जरी से कंफर्टेबल हैं वो ये करा सकते हैं, उससे वो आपके आंखों के नीचे के बैग हटा देते हैं और सिल देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। आप अपने डॉक्टर से मिलें, आपके आंखों के नीचे कालोगंडों का इलाज हो सकता है, आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनका इलाज कराएं आज ही। ये मत सोचिए कि इसका कोई इलाज नहीं।